द स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट द फॉरेस्ट द सो स्टोरी स्टार्ट होने से पहले मैं तुमको स्पॉइलर अलर्ट दे रहा हूँ, इसमें बहुत सारे स्पॉइलर्स होंगे, सो कहीं तुम अब आगे चल के खेलना चाहते हो तो मत देखना इसको। सो तुम्हारी स्टोरी स्टार्ट होती है एक प्लेन के अंदर, जहाँ पे तुम बैठे हो एक सीट पे ही बैठोगे ऑब्वियसली। सो तुम्हारे बगल में तुम्हारा बेटा है जो सो रहा है इस वक्त, तो जिसका नाम टिमी है, एंड तुम लोग अभी आराम से बैठे हुए हो, बट तभी प्लेन हिलने लगता है और एयर होस्टेस तुमको अनाउंस करती है कि अपनी सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि प्लेन क्रैश होने वाला है। सो तुम्हारा बेटा उठ जाता है इस वक्त, बट प्लेन बहुत ज़्यादा ही उसकी चीज़ें ख़राब होती जाती हैं और प्लेन धीरे धीरे करके क्रैश होने लगता है। और यहाँ पे तुम डर रहे हो और तुम्हारा बेटा भी डर रहा है, ऑब्वियसली इस सिचुएशन में कोई भी डरेगा, एंड तुम यहाँ पे क्रैश हो जाते हो। और जैसे कि तुम देख सकते हो, तुम कहीं फॉरेस्ट में क्रैश करते हो एंड फिर तुम्हारी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और तुम बेहोश होते हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पॉन्स की। ये मैप है पूरा गेम का और यहाँ पे तुम स्पॉन हो सकते हो। ये स्नो माउंटेन है, ये बन होल है जिसको सिंक होल भी लोग बुलाते हैं, इस जगह पे तुम स्पॉन हो जाओगे। सो देखो यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी मार्क किया था वहाँ पे मेन विलेज है। सो कहीं तुम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करोगे मेन विलेज से, कैनिबल के मेन विलेज से, तो तुम्हारी स्टार्टिंग बहुत अच्छी जाएगी, बट कुछ दिन के बाद बहुत सारे कैनिबल्स आने लगेंगे, तो कहीं तुम उनको हैंडल नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे बेस मत बनाना। बट बहुत ईजी होता है उनको हैंडल करना, बट कभी कभी हार्ड हो जाता है और तुम्हारा बेस भी तोड़ देता है। स्टार्टिंग में तो तुमको मैप नहीं पता होगा, तो कहीं तुम टेक्नो गेमर्स की पहला एपिसोड देखे तो वो इस यॉट पे हैं। सो कहीं तुम स्टार्टिंग में ओशन को फॉलो करते हुए आओगे तो तुम्हें ये यॉट मिल जाएगी। बट देखो इसके स्पॉन बहुत अच्छे अच्छे हैं, या तो तुम यॉट के सामने स्पॉन हो जाओगे या तो तुम मेन विलेज के अंदर स्पॉन हो जाओगे। और कहीं ये होता है तुम्हारे साथ तो बेस्ट चीज़ है, बट कहीं तुम थोड़ा अलग स्पॉन पे स्पॉन होते हो तो तुमको बस माउंटेन देखना है, ये स्नो वाला, उसके अपोजिट साइड जाना है। और जब तुम इस यॉट पे पहुंच जाओगे तो फिर तुम इस डायरेक्शन में जाओगे तो तुम आराम से मेन विलेज पहुंच जाओगे। और मेन विलेज मैं क्यों बोल रहा हूँ पहुंचने को स्टार्टिंग में, क्योंकि वो बेस्ट विलेज है भाई, वहाँ पे तुम्हें क्या नहीं मिल जाएगा, ऐसा कुछ वो विलेज दिखेगा। और उस विलेज के साइड में एक ऐसा केव होगा जहाँ पे तुम्हें फ्लेयर गन, डायनामाइट्स, मॉडर्न एक्स जो कि बेस्ट एक्स है गेम के अंदर, वो सब मिल जाएगा। सो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम मेन विलेज से स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा चीज़ होगा। बट देखो तुम कहीं उनको हैंडल नहीं कर सकते तो मत बनाना, बट उसके बहुत फ़ायदे हैं। अब ऑफ टॉपिक नहीं जाएंगे। सो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर अभी भी बेहोश पड़ा है और धीरे धीरे उठ रहा है और सामने देखता है एक इंसान है और उसके बेटे के पास खड़ा है वो। सो वो उसके बेटे को उठा रहा है, तो तुम क्रॉल करके जो तुम्हारा कैरेक्टर है वो जाता है उसके पास, बट वो जो इंसान है वो तुम्हारे बेटे को लेके चला जाता है और तुम वहीं पर बेहोश हो जाते हो। बेहोश होने के थोड़ी देर बाद तुम बेहोशी से उठते हो धीरे धीरे और तुम में बहुत कमज़ोरी रहती है, तुम भूखे हो, तुम्हें चोट लगी है, तुम खून से लथपथ हो, एंड धीरे धीरे तुम उठते हो एंड जब सामने तुम अपने हाथ को देखते हो तो पूरा खून से लथपथ है, ऑब्वियसली तुम क्रैश हुए हो। और अगल बगल देखते हो तो कोई भी जिंदा नहीं है, बस चीज़ें पड़ी हुई हैं एंड तुम्हारे प्लेन का आगे वाला हिस्सा कहीं और गिरा हुआ है। तुम अगल बगल अपने देखते हो और सामने तुम्हें उस कैनिबल ने एयर होस्टेस के पेट में एक एक्स मारी हुई है जो कि तुम उठा लेते हो, जिसको हम प्लेन एक्स बुलाते हैं। एंड तुम अगल बगल देखते हो तो पूरा जंगल ही जंगल होता है और तुम्हारा प्लेन ऐसे बुरी तरह क्रैश हुआ है। एक टिप देता हूँ तुम्हें, जो ये सूटकेस पड़े हैं उनके पास जाके कहीं तुम हिट करोगे, लेफ्ट क्लिक दबाओगे तो वो सूटकेस ओपन हो जाते हैं। और जब तुम अपनी टू डू लिस्ट खोलते हो तो वहाँ लिखा होता है फाइंड टिमी एंड सेटअप ए कैंप। और जैसे कि तुम देख सकते हो मैं डायरेक्ट स्पॉन हुआ यॉर्ट के पास। बट ये सब छोड़ के जब हम लोग अपना कैंप सेटअप कर लेते हैं, देन हम लोग एक्सप्लोर करते हुए कुछ केव्स में जाएंगे तो तुम्हें टॉय पार्ट्स मिलेंगे। तुम्हें 6 टॉय पार्ट्स मिलेंगे और तुम्हें उन्हें कंबाइन करना पड़ेगा। और जहाँ पे भी तुम्हें ये टॉय पार्ट्स मिलेंगे वहाँ तुम्हें ऐसे पेंटिंग्स भी मिलेंगी जो कि टिमी ने ही बनाई है, एंड वो दिखा रहा है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, वो कैसे आ रहा था और क्या एक्सीडेंट हुआ। और जो टॉय है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको तुमको पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ना तो तुम एंडिंग में नहीं पहुंच पाओगे। एंड टिमी की ड्राइंग्स और टॉयज के पार्ट वहाँ कैसे पहुँचे, क्योंकि टिमी को वहीं से ले गया गया है, वो कैनिबल है, वो रेड कैनिबल है जो लीडर है कैनिबल्स का, जो कि तुम गेम खेलते वक्त जान जाओगे। ये इंसान की तरह दिखने वाले इंसान कैनिबल्स हैं जो कि जंगल में रहते हैं और मांस खाते हैं।
सुन के तुमको उनसे तुमको बच के रहना होता है, और वो बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है। वो नहीं समझते हैं तुम भी इंसान हो, वो बस तुमको मार के खा जाएंगे। और रेड कैनिवल इनका लीडर है जो कि इनको कंट्रोल करता है एंड उनको लीड करता है लाइक ए लीडर। बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो तुम्हें कुछ नहीं समझते हैं, वो बस ये नहीं समझते हैं कि तुम एक इंसान हो, बस तुमको कच्चा चबा के मार के या तो तुमको लटका देते हैं केव के अंदर। और केव की बात हो ही गई है तो लेट्स टॉक अबाउट द केव्स। केव्स के अंदर तुम्हें टॉय पार्ट्स मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बट केव्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और होती हैं जिसको कहते हैं रिकॉर्डेड टेप। इसमें तुम्हें 6 टेप्स मिलेंगी अलग अलग केव में। मेरे को ये याद नहीं है कि वो टेप प्लेयर कहाँ रहता है। मैं 3 साल पहले इस गेम को खेला था फिर भी मेरे को आज तक याद है, बट ये याद नहीं है कि वो टेप प्लेयर कहाँ रहता है। शायद से वो टेप प्लेयर तुम्हारे पास होता है या तुम्हें मिलता है, आई डोंट नो। इतना तो मेरे को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था मेरे लिए स्टार्टिंग में, तो मैं इतना याद नहीं रखा हूँ उसको, बट ये इंपॉर्टेंट है। सो तुम्हें जब 6 वो टेप्स मिल जाएंगे, उनको प्ले करोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा उसके बारे में चलो बात करते हैं। सो जब तुम सबसे पहला टेप प्ले करोगे तो तुम्हें टेप ऐसे स्टार्ट होगा जहाँ पे तुम एक हेलीकॉप्टर के अंदर हो और तुम वो स्नोई माउंटेन के पास हो, और उस हेलीकॉप्टर के अंदर एक बच्ची है जो कि मास्क पहनी है, लाइक उसको इन्फेक्शन है, कोई बहुत बड़ी बीमारी है। इतना होने के बाद रिकॉर्डिंग ओवर हो जाएगी। सो चलो अब इस रिकॉर्डिंग के बारे में बात करते हैं। तो मेरी थ्योरी ये है कि एक बहुत ज़्यादा मिलियनर आदमी है या बिलियनर जो कि एक प्राइवेट आइलैंड ख़रीदा है जहाँ पे ये कैनिबल्स हैं, एंड वो साइंटिस्ट और माइनर्स को भेज रहा है इस जगह एक्सपेरिमेंट करने को कि वो अपनी बेटी को बचा सके। वो लड़की उसकी बेटी है जिसको बहुत बड़ी इन्फेक्शन है, आई डोंट थिंक कि उसको कैंसर है, क्योंकि आगे चल के तुमको गेम में कुछ ऐसा दिखेगा जिससे तुमको लगेगा हाँ उसको कैंसर नहीं था कुछ और था। इसको बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी है एंड और उसका क्योर ढूंढने के लिए ये साइंटिस्ट को इस आइलैंड पे भेज रहा है, क्योंकि ये बहुत अजीब सा आइलैंड है जहाँ बहुत सारे सीक्रेट चीज़ें। सो साइंटिस्ट और माइनर चीज़ें ढूंढती हैं इसमें, क्योंकि कैनिबल्स को बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। सो दे ट्राई टू कम्युनिकेट विद द कैनिबल्स, बट कैनिबल्स नहीं मानते यार, वो कैनिबल्स हैं। बट उनमें से एक कैनिबल जो सबसे उनका लीडर रहता है रेड कैनिबल, उसको उनसे वो बात करते हैं एंड देन उसको किसी चीज़ का वो लालच देते हैं जिससे कि वो उनसे बात मनवा सकें। सो कैनिबल्स उसके बाद माइनर्स और साइंटिस्ट पे अटैक कभी नहीं करते हैं, बिकॉज अब उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग पता नहीं कैसे बन गई है। सो वो लोग जो कैनिबल्स हैं वो उनको रास्ता दिखाते हैं एंड वो अपनी मेन मेन केव में ले जाते हैं साइंटिस्ट और माइनर्स को, एंड फिर वो लोग अपना रिसर्च चालू करते हैं और वहाँ बहुत बड़ा सेंटर बनाते हैं, द स्नो वाला, तुमको याद है वो स्नो माउंटेन, हाँ उसी के नीचे केव है उसके, वहाँ पे वो लोग अपना रिसर्च सेंटर बनाते हैं। एंड जब वो लोग अपना रिसर्च सेंटर बना लेते हैं और उनको जब चीज़ें चाहिए होती है लाइक मेडिकल्स एंड थिंग्स टू रिसर्च, तो कंटेनर्स के द्वारा बीचेस पे बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं कंटेनर्स में भर भर के, जैसे कि तुम इमेज में देख सकते हो। जब सब चीज़ें आ जाती हैं और एक्सपेरिमेंट चालू के लिए रेडी रहता है, तो वो मिलियनर अपनी बेटी को लेके आता है एंट्री करने के लिए सिंक होल से। माउंटेन में भले ही केव है बट सिंक होल से एंट्री है, जिसको बनोल भी लोग कहते हैं। तो वहाँ पे वो लैंड करने की कोशिश करता है बट किसी टेक्निकल इशू की वजह से वो प्लेन क्रैश हो जाता है, और जो कि हम लोग सिंक होल के अंदर देख भी सकते हैं और जहाँ पे मरचटे रहता है। सो प्लेन क्रैश होने के बाद मिलियनर या बिलियनर तो मर जाता है बट उसकी बेटी बच जाती है। बट साइंटिस्ट अभी तक रुक जाने चाहिए बट वो रुकते नहीं हैं, वो स्टिल अपना रिसर्च कंटिन्यू करते हैं कि बाद में बताएंगे कि उन्होंने ये इन्फेक्शन ठीक किया, कि वो थोड़ा और पॉपुलर हो जाए, इसलिए वो रिसर्च अपनी कंटिन्यू रखते हैं। और यहाँ पे तुम कैनिबल से लड़ रहे हो क्योंकि उनके पेट्रोल करने के टाइम पे तुम उनके सामने आ गए हो, तो तुम उनको लड़ना पड़ेगा उनसे। तो अब चलो हम बात करते हैं दूसरी टेप के बारे में, उसमें क्या होगा। सो स्टार्टिंग होती है तुम्हारी इस टेप में, सबसे पहले तुम्हें सामने बच्ची दिखेगी और वो मिलियनर दिख रहा है, जैसे कि तुम देख सकते हो वो स्टॉप बोल रहा है कि रुक जाओ रिकॉर्डिंग मत करो, और वहाँ पे वो बच्ची खड़ी है और वो वेव कर दिए हाय, और यहाँ रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाती है। तो इसमें तो हमें यही पता चलता है कि उसको तैयार कर रहे हैं रिसर्च के लिए एंड वो मिलियनर थोड़ा घबराया हुआ है और वो नहीं चाहता है कि कुछ लीक हो। सो इसकी इस क्लिप से ज़्यादा तो हमें नहीं पता चला, तो तीसरे टेप पे चलते हैं। सो यहाँ हमारे टेप दिखता है कि वो बच्ची को एक मशीन में डाला जा रहा है जो कि बहुत ख़तरनाक ही मशीन लग रही है, ऐसा लग रहा है कि उस बच्ची को बचाने के लिए नहीं मारने के लिए उस मशीन के अंदर डाल रहे हैं। बट जो भी है मशीन खुलती है एंड यहाँ पे हमारे टेप ख़त्म हो जाती है। इस टेप से भी हमें इतना ही पता चलता है कि उस बच्ची को उस मशीन के अंदर डाला गया है और ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। चौथी टेप पे चलते हैं।
सो यहाँ पे देख सकते हैं हमें टिमी दिख रहा है जिस पे रिसर्च चल रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, उस पे बहुत ज़्यादा ही मेडिसिन और चीज़ों का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और यहाँ पे टेप ख़त्म हो जाता है। इससे भी बस हमें यही पता चलता है कि उनके पास टिमी है और ज़्यादा कुछ नहीं पता चलता। और हमारे 5वें टेप में क्या दिखता है? इस टेप की स्टार्टिंग होती है एक केओस से, जहाँ पे लोग भाग रहे हैं और जहाँ पे एक चेम्बर है उसके अंदर देख रहे हैं, और उस चेम्बर में एक मॉन्स्टर है जो कि कैनिबल पे जिस पे रिसर्च कर रहे थे, वो कैनिबल अब चेम्बर से बाहर आ गया है, और सामने वही बच्ची है जिस पे वो इतना बड़ा मॉन्स्टर चढ़ जाता है, तो वो उसका बचना नामुमकिन है। और सबसे पहली चीज़, तुम इतने स्टूपिड हो कि तुम कैनिबल्स पर रिसर्च कर रहे हो जो ऑलरेडी जानवर हैं। इस टेप से हमें यही पता चलता है कि सारे साइंटिस्ट और वो बच्ची मर चुके हैं और हर तरफ क्योस हो चुका है। तो चलो हम लोग अपने लास्ट टेप पे चलते हैं और वहाँ क्या दिखेगा। यहाँ पे हमें दिखता है कि वो कंट्रोल टावर में है जो कि माउंटेन में है स्नोवी वाले, और ऊपर देखते हैं हम लोग तो एक बहुत बड़ी मशीन है। साइंटिस्ट पता नहीं कैसे टाइम मशीन बना लिया है, वो टाइम को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं पता नहीं क्यों, और काम नहीं करती है मशीन, और यहाँ पे टेप ख़त्म हो जाता है। इन सब चीज़ों से यही पता चलता है कि सब गलती साइंटिस्ट और वो मिलियनर की है। सो अब किसी को दोष देने से तो कुछ होगा नहीं, या तो गलती सबकी थी इसमें जो भी इसमें इन्वॉल्व थे इस रिसर्च में। अब देखो क्या होने वाला है आगे, क्योंकि तुम अभी जंगल में घूम रहे हो, तुम्हें पता नहीं है टिमी कहाँ है। टिमी पर रिसर्च चल रहे हैं, मॉन्स्टर बाहर आ गए हैं चेंबर से, आधे साइंटिस्ट मर चुके हैं ये नहीं पता है। तो चलो अब बात करते हैं टिमी के बारे में। सबसे पहले हम लोग टिमे को ढूंढते हैं और फिर वो मशीन को खोलते हैं, और वहाँ पे हमें टिमे दिखता है जो कि बहुत ही खतरनाक तरीक़ों से उसका सर्वर फूट गया है और उस मशीन के अंदर है। ये मशीन ये करती है कि ये टिमी की सोल यूज़ करके उस बच्ची के अंदर डालेगी और वो बच्ची ज़िंदा हो जाएगी। ये तो हो गया है और टिमी मर चुका है और वो ज़िंदा हो गई है, बट उसका इन्फेक्शन तो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। डॉक्टर्स इन साइंटिस्ट सोच रहे थे कि इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा बट नहीं हुआ है। तुम अपने बेटे टीमे को उठाते हो और कैसे तैसे उसका सर बाहर निकालते हो, क्योंकि इस हालत में तुम देख के उसको क्या ही सोचोगे, उस वो मर चुका है, उसके मुंह से खून आ रहा है, सरवर से खून बह रहा है। तुम उसको गोद में लेते हो एंड तुम इस वक्त क्या ही सोच सकते हो, तुम्हारे पास कोई वर्ड नहीं है। तुम सामने एक मशीन रहती है या स्ट्रेचर रहता है जिसको भी बोलो, उस पर जाके तुम टीमे को लेटाते हो, एंड देन बस तुम सोचते ही हो या अफसोस कर रहे होते हो कि तुम उस ट्रिप पे क्यों आए, एंड देन तुम बस टीमे को देख रहे होते हो और तुम अपना टॉय देते हो। ये टॉय इसलिए मैं बोला था इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तुम शायद से ना आ पाओ, ठीक है। उसके हाथ पे तुम उस टॉय को देते हो, एंड देन वहाँ पे बहुत सारी तारे पड़ी हैं जो कि तुम ट्राई सोचते हो कि उस तारों का यूज़ क्या कर सकते हो, और जब वो तुम स्क्रीन पे देखते हो एक मॉनिटर पे, और फिर तुम सोचते हो कि इस तार का कुछ ना कुछ यूज़ तो होगा, तो तुम उस तार को लेते हो और अपने बेटे के पार्ट्स में लगाने लगते हो, लाइक हैंड एंड लेग्स और बॉडी पार्ट्स में। मॉनिटर में दिखने लगता है कि वहाँ वो कनेक्ट हो रहा है, एंड देन तुम हर जगह लगाते हो और जल्दी जल्दी कि तुम पे थोड़ी सी होप जगती है कि तुम अपने बेटे को वापस ज़िंदा कर सकते हो। तुम पूरे तार लगाने के बाद अब स्क्रीन में देखते हो, तो अब वहाँ दिखता है कि दूसरी बॉडी एक और चाहिए जो मशीन के अंदर होनी चाहिए। तुम अब यहाँ पर देख लेते हो और समझ जाते हो कि तुम्हें वो बच्ची को लेके आना पड़ेगा अपने बेटे को ज़िंदा करने को, क्योंकि वो बच्ची थोड़ी दिन में या कुछ देर में मरी जाएगी, क्योंकि उनको उसको बहुत खतरनाक इन्फेक्शन है। यहाँ पर तुम आते हो अंदर, और यहाँ पे तुमको एक बड़ी सी जगह में वो बच्ची बैठी दिखती है एंड वो खेल रही होती है, और यहाँ पे तुम देखते हो कि उसके पास बहुत सारी पेंटिंग है, वो अजीब सी दिख रही है, उसके हाथ में खून वून लगा है क्योंकि उस पर वो मॉन्स्टर चढ़ गया था, और जब वो खेल रही है और जब पलट के देखती है तो उसका मुंह बड़ा डरावना दिख रहा है और वो उसके मुंह पे खून वून लगा है, वो इंसानों को खाई है, एंड वो फिर भी खेलती है तुमको इग्नोर करके और तुम्हारे पैर के पास गिरती है, एंड तुम फिर उसको देख के थोड़ा सा तुम पे वो उंगली करती है, एंड देन तुम समझ नहीं पाते हो क्योंकि तुमको इस पे भी दया नहीं लगती है, बट उसके गले में कुछ सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होने लगती है, और फिर वो ऐस वेव करती है कि हाँ उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और तुम्हारे पैर के पास वो गिर जाती है, एंड देन उसकी बॉडी बहुत खतरनाक वाइब्रेट करने लगती है और उसके मुंह से कुछ निकलने लगता है, बहुत ही घिनौना टाइप का एक हाथ है पैर है पता नहीं क्या है ये, बट निकल जाता है और उसकी बॉडी नीचे रह जाती है, उसके पेट से पता नहीं ये बड़ा सा चीज़ क्या निकलता है, शायद से इस पे भी एक्सपेरिमेंट था या इन्फेक्शन का वो कहर था, वो हमें नहीं पता है। तुम एंडिंग में उस मॉन्स्टर को मार देते हो, एंड जब तुम उसके पास जाते हो तो वहाँ पे तुमको वो बच्ची दिखती है, एंड
फिर वो मॉन्स्टर ज़्यादा खतरनाक था भाई। फिर भी तुम उस बच्ची को वहाँ ग्रैब करने का ऑप्शन आता है तो तुम उस बच्ची को उठाते हो एंड फिर तुम वापस उस बच्ची को लेके जाते हो उस मशीन के पास एंड उस मशीन के अंदर तुम डालते हो उस बच्ची को होल्ड करके। उस बच्ची को जब तुम डाल दोगे उसके अंदर तो वो बच्ची तो तुरंत मर जाएगी और उसकी सोल जो बची हुई है वो सोल तुम्हारे बेटे के अंदर चली जाएगी एंड वो बच्ची वहीं गिर जाएगी और उससे एक गोल्डन पास गिरेगा और वहाँ पे तुमको स्क्रीन में दिख जाएगा तुम्हारा बेटा ठीक है और वो सक्सेसफुली हो गया है सोल ट्रांसफ़र। आई डोंट नो इस मशीन क्या करता है क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं आया तो मेरे को तो लगता है सोल ही ट्रांसफ़र करता है। सो तुम्हें कार्ड मिल जाता है, अब तुम्हें एक चॉइस लेनी है, वो टाइम ट्रैवल करना होगा तुम्हें एक चॉइस लेनी है, दो चॉइस मिलेंगी तुम्हें, तुम्हें दोनों में से एक चॉइस लेनी है एक कंट्रोल टावर में जाके, या तो तुम अपने बेटे को बचाओगे और पैसेंजर्स को मरने दोगे या तो तुम चूज़ कर सकते हो पैसेंजर को बचा के अपने बेटे को मरने दोगे। वो तुम पे डिपेंड करता है तुम कौन सी चॉइस लोगे। मैं तुमको बता देता हूँ कौन सी बटन, दो बटन रहते हैं, कौन से बटन क्या सिलेक्शन है। सो इस साइड जो ये डेक्स है यहाँ पे तुम चूज़ करोगे तो पैसेंजर्स मर जाएंगे और तुम्हारा बेटा बच जाएगा, बट जहाँ पे ये मैं अभी खड़ा हूँ वहाँ पे कहीं वो वाला बटन तुम दबाओगे तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा बट पैसेंजर बच जाएंगे। अब वो तुम पे डिपेंड करता है तुम कौन सी चॉइस लोगे। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने तो ये जो एंडिंग कर रहा हूँ मैं, ये तो लोग बोलते हैं वर्स एंडिंग, वो तुम पे डिपेंड करता है तुम कौन सी चॉइस लोगे। वो तुम पे डिपेंड करता है तुम किस एंडिंग को वर्स एंडिंग कहोगे, क्योंकि दोनों ही एंडिंग उतनी खास नहीं है, लगता है कि कुछ ना कुछ तुम खो ही रहे हो। और जब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो वो मशीन वापस घूमती है और घूमते 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 फिर रुक जाती है, ठीक है। और जब वो रुक जाती है तो मैं मायूस होके आराम से, वो एलिवेटर खुल जाता है और मैं उधर से आराम से नीचे जाता हूँ क्योंकि अब जाना ही पड़ेगा यार, अपने बेटे को अब हमने खो दिया है। अब जब तुम नीचे आओगे और केव से बाहर निकल जाओगे तो तुम देखोगे वो प्लेन जिसमें तुम थे, इसमें तुम नहीं रहोगे, तुम भले ही नीचे हो तुम वापस चले जाओगे बट वो प्लेन आराम से अब जा रहा है अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ पे उसको जाना था। बट अब तुम अपने हाथ से अपने बेटे की जली हुई फ़ोटो निकालोगे और उसको अपने हाथ से, एक दूसरे हाथ से एक लाइटर लोगे जो कि तुम्हारे पास रहता है पूरी गेम की स्टार्टिंग में, उसको तुम जलाओगे एंड देन हाँ जो तुम सोच रहे हो वही करोगे, तुम अपने बेटे की फ़ोटो तुम जला दोगे। ये एंडिंग मेरे को भी बुरी लगती है क्योंकि पूरी गेम तुम एंजॉय करते हो, पूरी गेम आराम से और इतना फन आता है, बट एंडिंग में तुम जाके ये करते हो। लोग बोलते हैं कि ये एंडिंग अच्छी है और मेरे को ये एंडिंग भी नहीं पसंद है क्योंकि इसमें तुम अपने बच्चे को बचाने के लिए कम से कम 100 लोग को तो मरने छोड़ दोगे। हाँ तुम ये एंडिंग में यही होगा जो तुम सोच रहे हो, जैसे कि तुम देख सकते हो डिस्प्ले में वो उस प्लेन को टारगेट करके रखा है, ऐसी मशीन है ना भाई, साइंटिस्ट क्या नहीं करते हैं। और जैसे तुम थोड़ा सा हाथ कांपते हुए तुम धीरे से जाके क्लिक करोगे उस एक्टिवेट के बटन पे, थोड़ा तुम्हारा हाथ तो कांपेगा ही, तुम बहुत बड़ी चॉइस ले रहे हो। और जब तुम उस पे एक्टिवेट पे क्लिक करोगे, यहाँ वैसे नज़ारा बहुत अच्छा है, यहाँ मैं जान दे रहा हूँ कि ले रहा हूँ हज़ारों लोग की और नज़ारा देख रहा हूँ मैं, नज़ारा सच में बहुत अच्छा है। बट मशीन फिर जब एक्टिवेट कर दोगे तो मशीन घूमने लगेगी, ज़्यादा तेज़ घूमेगी इस बार एंड फिर पूरा जगह हिलने लगेगी। और फिर जब जगह हिलने लगेगी तो थोड़ी देर के बाद तुम साइड में देखोगे और वहाँ से तुम्हें एक प्लेन दिखेगा जो कि अभी आएगा 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 या आ गया। तो देख सकते हो ये प्लेन क्रैश हो रहा है जिसका हाथ पैर सब अलग अलग जगह गिर रही हैं और जब वो गिर जाता है तो ब्लैकआउट हो जाएगी स्क्रीन और फिर यहाँ पे बहुत देर तक ब्लैकआउट रहेगी स्क्रीन। बट कहीं तुम ये वाली एंडिंग लोगे तो तुम्हें थोड़ा आगे की चीज़ें और पता चलेंगी। ब्लैकआउट होने के बाद स्क्रीन बहुत देर तक ही रहती है बट उसके बाद तुम एक शो पे इनवाइटेड रहते हो, तुमने एक बुक लिखी है इसलिए तुम एक शो पे इनवाइटेड हो, तुम अपने बेटे या तिमी के साथ आते हो इस शो पे एंड देन तुम जाते हो होस्ट के पास बैठने और यहाँ पे तुम्हारे लिए तालियाँ बजती है भले तुम्हें आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है क्योंकि तुमने बुक लिखी है और तुम वो एक्स मनहूस एक्स लेके आए हो जो उस जगह की है और तुम हाथ मिलाते हो उससे एंड तुम बैठ जाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे तुम होस्ट तुम्हारी वही मक्खन लगाएगा तुम पे, थोड़ा सा घी बटर लगाएगा कि तुम वो तुमको तुम्हारी बुक दिखा रहा है कि तुम थोड़ा प्राउड हो और तुम कुछ भी कर दो उसके लिए।
हाँ वही चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, स्टार ना जाए मेरे को तलवार लेके। तो वो बोलता है कि हाँ तुम्हारे हाथ में वही एक्स है जो कि तुम यूज़ किए थे। तो वो लोग एक पर्दा खोलते हैं जहाँ पे ट्री के लॉग्स हैं, और वहाँ पे वो बोलता है कि अपने एक्स का हाथ तुम कैसे यूज़ किए थे वहाँ पे, वो हमें दिखाओ। तो वो होस्ट रिक्वेस्ट करता है एंड पूछता है ऑडियंस से बोलने को कि बोलो इसको कि ये करे वो, और ऑडियंस बोल देती है हाँ, तो ये हाँ बोल देता है और फिर अपने बेटे का हाथ करता है और चला जाता है वहाँ पे। आई डोंट नो क्यों लेके आता है वो एक्स, मैं होता तो उसकी जगह वो वहाँ से एक चड्डी ना लेके आता। तुम बात कर रहे हो, ठीक है। फिर वो अपने हाथ में एक्स लेता है और वो ट्री को ट्राई करता है काटने की, एंड वो सिखाता है उसको कि कैसे वो उसने यूज़ किया था ट्री काटने की। और फिर वो एक्स में कुछ घूरता है उस एक्स को, पता नहीं उस एक्स को घूर के शायद से उसको अपनी वाइफ की याद आ जाती है, आई डोंट नो। बट फिर वो होस्ट बोलता है कि अपने बेटे को देखो, तुम्हारे बेटे को मिर्गी पड़ रहा है। यहाँ पे मैं फ़नी बना रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा ट्रेजिडी होके आई है। तो यहाँ तुम्हारा बेटा फिर से वाइब्रेट होने लगता है जैसे कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हुए देखे थे इसको, एंड फिर ब्लैकआउट हो जाती है स्क्रीन, एंड फिर से बहुत देर तक ब्लैकआउट रहती है। एंड फिर उतना बजट नहीं था इसलिए इन्होंने उतना सीन्स सिनेमैटिक्स नहीं बनाया है। फिर तुम फिर स्क्रीन होती है और तुम अपने बेटे के पास दौड़ के जाते हो और उसको हाँ गोदी में प्यार से उठाते हो लाइक ए सन, और फिर वो धीरे धीरे आराम से वाइब्रेशन उसकी बंद होती है, एंड देन यहाँ पे गेम की एंडिंग, वो वापस भी उठ जाता है। मैं पता नहीं भूल गया हूँ या मैं स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ इसलिए। अब यहाँ पे तुमको द फॉरेस्ट का लोगो दिखेगा और तुम्हें अचीवमेंट भी मिल जाएगी कहीं तुमने गेम बाय किया है। मैं तो तुम्हें बोलूँगा कि गेम बाय करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी और देर ब्लैक स्क्रीन रहेगा, फिर यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे कोई बंदा शावर ले रहा है, एंड फिर वो शावर बंद करता है एंड फिर वो जाता है अपने रूम में, कुछ पहनता है, पहनेगा फिर ये कपड़े पहन के नहाया है, ठीक है। और फिर ये ब्रश करता है सुबह का टाइम है आई थिंक, क्योंकि और फिर ये जो फेस देख रहे हो तुम, ये फेस जो तुम देख रहे हो, बहुत लोग बोलते हैं कि ये वही कैरेक्टर जिससे हम लोग खेल रहे थे, और बहुत लोग बोलते हैं ये टिमी है जो कि बड़ा हो गया है और उसके पापा भी मर चुके हैं और वो अब उस जगह वापस जाने की प्लान कर रहा है, उसके हाथ में वही बूज है, वो मैप है, वो तैयारी कर रहा है वापस जाने की। इसलिए इसके नेक्स्ट गेम आने वाला है सन्स ऑफ द फॉरेस्ट 2। इसके अब यहाँ पे उसके हाथ में पता नहीं अजीब सा कुछ घिनौना है, उसके हाथ से कुछ फूलने लगते हैं उसके हाथ और अजीब सा होने लगता है, और फिर वो विंडोज़ की साइड जाता है और फिर वो बाहर के नज़ारे देखता है, और फिर यहाँ पे गेम ख़त्म हो जाती है। उसके बाद कुछ पता नहीं चलता है, ये शायद से न्यूयॉर्क है या पता नहीं, बहुत सारी सिटीज होती हैं यार। ब्लैकआउट हो जाती है स्क्रीन, अब सन्स ऑफ द फॉरेस्ट का वेट है हमें। अब चीज़ें बात करते हैं थोड़ी चीज़ों की। सो ये गेम देखो मैंने बहुत खेला है, 2 साल खेला है या 1 साल खेला है इतना तो याद नहीं है, बट 1 साल खेला है और हर एक चीज़ मेरे को याद है। और जब टेक देखो मैं सोचा था कि मैं अपनी कम्युनिटी जब बना लूँगा और अच्छा पीसी ले लूँगा तब इस गेम को खेलूँगा और स्ट्रीम करूँगा, बट वो अभी तक तो नहीं हुआ। तो और मैं सोचा था कि इस गेम को मैं इंडिया में थोड़ा पॉपुलर करूँगा, बट वो तो नॉट पॉसिबल क्योंकि टेक्नो गेमर्स ने खेला है तो गेम पॉपुलर होना ही था, ठीक है। ये गेम को मैंने बहुत खेला है यार। तो देखो यही थी इसकी स्टोरी, आगे सन्स ऑफ द फॉरेस्ट 2 आएगा इसलिए उसके लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ, बट अभी जब पीसी आ जाएगा तो देखेंगे। सो हाँ, और जब देखो जब टेक्नो गेमर्स ने खेला था इस गेम को, उनका पहले एपिसोड आया था, तो मैं सोचा उनको या इंडिया में जब लोग और खेलेंगे इस गेम को तो उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए, इसलिए हिंदी में मैंने इसकी स्टोरी बता दी है तुम्हें। यही है इसकी स्टोरी। और जो रेड कैनिबल है जो कि तुम्हारे बेटे को स्टार्टिंग में लेके जाता है, वो तुमको कभी कभी बहुत रेयर चांसेस होते हैं, वो तुमको माउंटेन से तुमको घूरता है एंड फिर जब उस माउंटेन पर जाओगे तुम तो वो वहाँ नहीं मिलेगा, वो भाग जाता है, ठीक है। यही सब चीज़ें होती हैं। ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत मज़ा आता है इस गेम में, बहुत सारे हिडन चीज़ें हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर हैं, इतना कंफ्यूजिंग गेम है, इतना मज़ा आता है। इस गेम की कितनी भी तारीफ़ कर लो कम होता है, बस कभी कभी थोड़े बहुत ग्लिचेस हैं इसमें अभी भी जिसको यूज़ किया है मैंने, मैं क्या ही बोलूँ। अब देखो तुम यहाँ से स्किप करके जा सकते हो, कहीं तुम्हें जाना है तुम, अब गेम की स्टोरी मैंने तुम्हें बता दिया, बट कुछ फैक्ट्स हैं जो कि और भी आइटम्स हैं उनके बारे में मेरे को कुछ चीज़ें बतानी है, तो चलो शुरू करते हैं।
सो अब बात करते हैं हम लोग रेड पेंट के बारे में। रेड पेंट हम लोग कहीं तुम गेम खेलोगे तो बहुत जगह तुम्हें रेड पेंट मिलेगा। ये रेड पेंट तुम लगा लोगे तो तुम्हें कैनिबल्स अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि वो रेड पेंट वाले लीडर तुम हो, इसलिए तुम्हारे सामने वो नी करेंगे, मतलब तुम्हारे सामने घिर जाएंगे, तुम्हारे पैरों पर गिरेंगे वो, और तुम्हें वो अटैक नहीं करेंगे। और कहीं तुम पानी में चले जाओगे तो ये रेड पेंट हट जाएगा। ठीक है, और कुछ तो नहीं है मेरे पास बताने को। और ये जो देख सकते हो तुम्हें केव्स में कुछ ऐसे ड्राइंग्स मिलेंगी, ये जो ड्राइंग देख रहे हो दीवार पे, ये वही मशीन है जो जिसमें टीमी था। ठीक है, यही सब चीज़ें थे यार, बहुत अच्छा लगा। और कहीं तुमने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने 4 दिन लगातार इस वीडियो पे काम किया है, क्योंकि इसके इमेजेस मिलना बहुत मुश्किल है और मेरे पीसी में नहीं चलता है, तो ये रिकॉर्डिंग भी किसी और बंदों की यूट्यूब की वीडियो से मैंने ली है। सो उन बंदों की वीडियो का लिंक, हर एक बंदे का जो भी यूज़ किया हूँ मैं, उस बंदों का वीडियो का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। कहीं तुम्हें ओरिजिनल लिंक वीडियो का वो चाहिए लिंक, तो तुम जाके देख सकते हो उनकी वीडियो। होप करता हूं तुमको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ तुमको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में या स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।